प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर आपका। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मियोसिस जो है उसकी मियोसिस वन और मियोसिस टू दो सब स्टेजेस होती हैं, और मियोसिस वन को हम आगे प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले बात अगर हम प्रोफेज वन की हमने शुरू की थी, तो जैसे आपको पहले भी बताया था मैंने कि प्रोफेज वन जो होती है ये सबसे लंबी प्रावस्था होती है सेल डिवीजन की। और इस प्रोफेज वन के अंदर जो होता है सबसे पहले जो है इसको फिर हम पांच सब स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन जो है वो जो है प्रोफेज वन की पहली सब स्टेज है, और अभी तक बहुत कुछ क्लियर नहीं है इसके बारे में, ज़्यादा प्रोफेज वन के बारे में। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इवेंट जो इसके अंदर होता है प्रोफेज के अंदर, वो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना। तो सबसे पहले ये कि कब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे को रिकोगनाइज करके पेयर करते हैं, ये अभी मिस्ट्री है, और बहुत कुछ इसके बारे में अभी भी जो है क्लियर नहीं है। परंतु रिसेंट स्टडीज जो जैसे कि हम पहले ये मानते हैं कि लेप्टोटीन जो है जिसे बुके स्टेज बोलते हैं, जिसके अंदर जो टीलोमियर्स हैं, जो फ्री एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक तरफ अटैच हो जाते हैं, और इसलिए हम इसको बुके स्टेज बोलते हैं, बुके की फॉर्म में आ जाते हैं। तो लेप्टोटीन के अंदर जो है इस तरह से अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम्स का, और जाइगोटीन के अंदर जो है वो आपके सेनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होकर होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग शुरू होती है। परंतु रीसेंट जो स्टडीज हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ईस्ट सेल पे स्टडी करते हुए नेस्सी क्लेकनर और उसके कुलीग्स ने ये स्टडी शो की जो होमोलोगस रीजन ऑफ डीएनए है, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो ऑलरेडी एसोसिएटेड होते हैं ड्यूरिंग लेप्टोटीन, मतलब लेप्टोटीन से पहले ही, तो प्रोफेज से पहले ही इनके अंदर जो है पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम की शुरू हो जाती है। परंतु ये विजिबल जो होते हैं वो जाइगोटीन के अंदर विजिबल होते हैं सिंपली बिकॉज उस समय कॉम्पेक्शन होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट होने शुरू हो जाते हैं, और उनकी जो विजिबिलिटी है वो माइक्रोस्कोप में वो दिखने लगती है। तो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होते हैं उनके अंदर ब्रेक होकर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है वो सब जो है अलग-अलग वो अलग एनिमल्स में अलग-अलग प्रावस्थाओं में होता है, ब्रेकअप होता है। परंतु ईस्ट और माइस दोनों की स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि ये जो ब्रेक होता है ये लेप्टोटीन के अंदर ही हो जाता है, वेल बिफोर द क्रोमोसोम्स दे बिकम विजिबली पेयर, मतलब उनके अंदर पेयर होने से पहले ही जो है क्रोमोसोम उनके अंदर जो है क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है डीएनए के अंदर जो ब्रेक है वो शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो होते हैं ये फाइंडिंग है सपोर्टेड बाई स्टडीज एम्ड एट लोकेटिंग पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस विद इन द न्यूक्लियाई ऑफ प्री मियोटिक एंड मियोटिक सेल्स। तो इसके अंदर जो होता है कि जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एक उनका डिस्क्रीट स्पेस होता है, डिस्क्रीट रीजन होता है जिसको वो ऑक्यूपाई करके रहते हैं, मतलब तो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो रेंडमली डिस्पर्स रहते हैं, परंतु वो एक बिल्कुल स्पेशल एक स्पेस होता है जिसके अंदर वो उस समय पाए जाते हैं। अब इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट होता है, ये जो फाइंडिंग है ये सजेस्ट करती है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर हो जाते हैं टू सम एक्सटेंट बिफोर मियोटिक प्रोफेज बिगिन। तो प्रोफेज से पहले ही ये ईस्ट सेल के अंदर स्टडी हुई थी, उसके अंदर ये हमने शो किया कि क्रोमोसोम्स की जो पेयरिंग है वो वेल बिफोर मियोटिक प्रोफेज से ही शुरू हो जाती है। जो टीलोमियर्स हैं यानी जो टर्मिनल सेगमेंट्स हैं क्रोमोसोम्स के, ये टीलोमियर्स जो होते हैं ये लेप्टोटीन क्रोमोसोम के अंदर इस समय थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, मतलब तो अभी इनका अरेंजमेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ नहीं होता। तो ये जो है लेप्टोटीन के अंदर इज ए ड्रामेटिक रिकॉग्निशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन मैनी स्पीसीज
that the telomeres become localized at the inner surface of न्यूक्लियर एनवलप एट वन साइड ऑफ द न्यूक्लियस. मतलब ये कि जो आपके टीलोमियर्स हैं वो फ्री एंड, मतलब उनका जो फ्री एंड है टीलोमियर्स यानी क्रोमोसोम के जो एंड्स हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो एक बुके की फॉर्म में दिखाई देते हैं. अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो ये शो करता है कि जो साइनोप्सिस होती है ये इसका फॉर्मेशन होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स. तो ये जो सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स है या एससी है ये एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर है जो ट्रेवर्स करती है जिसके अंदर ट्रांसवर्स प्रोटीन्स फिलामेंट, अभी डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ट्रांसवर्स फिलामेंट प्रोटीन जो होते हैं वो दो लेटरल एलिमेंट्स को जो है जुड़े हुए रखते हैं, किस तरह से एक लेडर की फॉर्म में रहते हैं. तो एक अगर हम इस डायग्राम में अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये जो है दिस इज ए होमोलोगस क्रोमोसोम के दो वो हैं जो आपके ये जो बीच में ये जो पतली लाइन दिखा रही है ये शो कर रही है ये सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स है जो इन दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को पेयर किए हुए रखता है कि ये जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज द काइनेटोकोर रीजन. ठीक है, और ये जो एरो है ये एरो इंडिकेट करता है कि ये यहाँ पे क्यास्मेटा फॉर्मेशन होगा यानी क्रॉसिंग ओवर विल टेक प्लेस इस प्लेस पे, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा. तो ये जो है ये डीएनए की दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, दिस इज वन क्रोमोसोम जो आपके एस फेज के अंदर रेप्लीकेट हो चुका है. तो दिस इज वन क्रोमोसोम एंड दिस इज द अदर क्रोमोसोम and these two are homologous chromosomes. तो ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, दो आपको जो ये रूप दिखाई दे रहे हैं दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ वन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड दीज टू लूप्स, ये जो दो लूप्स हैं ये आपके दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड है. तो इनके अंदर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर तो ये जो एक्सचेंज है इस क्रोमेटिड और इस क्रोमेटिड के बीच में हो सकता है, इस क्रोमेटिड और इस क्रोमेटिड के बीच में हो सकता है. ये जो है आपके दिस इज ब्लैडर लाइक जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये आपके दिस इज लिटरल एलिमेंट्स बनाती है और ये ट्रांसवर्स जो प्रोटीन्स हैं. तो एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को जो है आपस में जोड़े हुए रखती है. और ये जो रेड कलर का दिखाया हुआ जिससे रिकम्बिनेशन मॉड्यूल यानी कि यहाँ पे जो रिकम्बिनेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए जो क्रॉसिंग ओवर है वो इसके अंदर होता है. ये रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल जो होता है ये आपके बेसिकली कंटेन्स एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. तो इसके अंदर जो है आपके क्रॉसिंग ओवर वाले एंजाइम्स जो होता है क्रॉसिंग ओवर वाले एंजाइम्स वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये जो लिटरल एलिमेंट्स हैं ये लिटरल एलिमेंट्स ये प्राइमरीली कोहेसिन के बने हुए होते हैं. दे आर मेनली कंपोज ऑफ कोहेसिन जो प्रिज्यूमेबली जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनको बाइंड करने का काम जो है ये लिटरल एलिमेंट्स करते हैं जिनके अंदर जो है कोहेसिन एलिमेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है. बहुत वर्षों तक इट वॉज थॉट दैट जो सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स को होल्ड करता है और उनको बाइंड करता है टुगेदर. और इसके बाद जो है इट इज़ नाउ एविडेंट दैट जो सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स है इसकी ज़रूरत नहीं है जेनेटिक रिकम्बिनेशन के लिए. ठीक है, जैसा कि ईस्ट की एक स्टडी में इट हैज़ बीन शोन दैट जिनके अंदर सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स जो है असेंबल नहीं हुआ but they can still engage in exchange of genetic material between homologous chromosomes. मतलब yeast cell जिसके अंदर due to some mutation सिनेप्टोनियल complex का formation नहीं हुआ परंतु जो सिनेप्टोनियल complex है ये अभी भी इसके अंदर जो है homologous chromosome के अंदर जो genetic material है वो उसका exchange हुआ है. तो जो सिनेप्टोनियल complex है ये primarily एक scaffold की तरह काम करता है जो अलाउ करता है इंटरएक्टिंग क्रोमेटिड्स को टू कंप्लीट देयर क्रॉसओवर एक्टिविटीज. तो जो उनकी क्रॉसओवर एक्टिविटीज है उसको कंप्लीट होने में ये जो है हेल्प करता है. तो इसके बाद जो है
जस्ट एंड गो टू पेज। द कॉम्प्लेक्स फाउंड बाय ए पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड बोलते हैं इसको। बाइवेलेंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास पास प्रेजेंट होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाइवेलेंट। और टेट्राड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स है वो चार होते हैं, टू ऑफ एक होमोलोगस क्रोमोसोम के दो और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के दो, तो टोटल चार क्रोमेटिड जो हैं वो इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो साइनेप्सिस है ये जाइगोटीन का एंड इंडिकेट करता है और नेक्स्ट जो स्टेज है उसकी इनिशिएशन को इंडिकेट करता है, और वो जो है नेक्स्ट स्टेज है वो है पैकेटिन। इसके अंदर क्या होता है, पैकेटिन के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्लोजली हेल्ड होते हैं टुगेदर थ्रू आउट देयर लेंथ ऑफ सेंट्रोमियर कॉम्प्लेक्स, उसके साथ साथ ये जो है करते हैं। और अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस बॉडीज अबाउट 100 nm डायमीटर की जो है इलेक्ट्रॉन डेंस बॉडीज जो हैं वो इसके अंदर जो है दिखाई देती हैं सेंट्रोमियर कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के टाइम, ठीक है। और ये जो बॉडीज हैं दीज बॉडीज 100 nm डायमीटर बॉडीज दे आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हैं ये बेसिकली क्रॉसिंग ओवर के अंदर हेल्प करते हैं एंड दे कंटेन ऑल द एंजाइम्स मशीनरी जो जेनेटिक जो रिकॉम्बिनेशन है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करती है। तो इसके साथ जो है जैसे ही जेनेटिक जो प्लाज्मा फॉर्मेशन है वो हो जाता है तो इसके बाद इट एंड्स द पैकेटिन पैकेटिन स्टेज को, और नेक्स्ट जो स्टेज है जिसको हम कहते हैं बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन, डिप्लोटीन स्टेज जो है वो उसका स्टार्ट हो जाता है। तो डिप्लोटीन जो होता है इसके अंदर क्या होता है, इट इज रिकग्नाइज बाई रिजोल्यूशन ऑफ सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो जो सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, और ये इसकी इसके कारण क्या होता है जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स शेप स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं और केवल वहां जुड़े होते हैं जहां पे क्यास्मा फॉर्मेशन होता है। तो क्यास्मा फॉर्मेशन की वजह से अगर हम एक डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से जो क्रोमोसोम्स हैं इस फॉर्म में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जिनके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो है दिस इज द डिप्लोटीन स्टेज, जब क्रोमोसोम्स जो हैं आपके एक्स शेप डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ क्यास्मेट है कितने क्यास्मा जो है वो इनके अंदर फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर एक से ज्यादा क्यास्मेट ऑफ फॉर्मेशन भी होता है दिस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। तो लेंथ ऑफ क्रोमोसोम जो है आपके उसके अंदर जो है आपके ये इंडिकेट वो गाइड करती है कि कितने नंबर ऑफ क्यास्मेटा है वो उसके अंदर। यूजली जो छोटे क्रोमोसोम है उनके अंदर एक क्यास्मेटा का फॉर्मेशन होगा, और जो क्रोमोसोम लंबे हैं उनके अंदर एक से अधिक क्यास्मेटा फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो इसके साथ जो है क्यास्मेटा फॉर्मेशन के साथ क्यास्मेटा जो होते हैं ये लोकेटेड होते हैं एट द साइट्स ऑफ क्रोमोसोम वेयर क्रॉसिंग ओवर बिटवीन डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम टू क्रोमोसोम्स हैड प्रीवियसली अकर्ड, जहाँ पे रिकम्बिनेशन प्रीवियसली हो चुकी है उन जगह को वो इंडिकेट करता है। तो क्यास्मेटा होते हैं दे आर फाउंड बाई कोवलेंट जंक्शन, कोवलेंट जंक्शन हैं बिटवीन ए क्रोमेटिड फ्रॉम वन होमोलोगस एंड ए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड फ्रॉम द अदर होमोलोग। तो दो होमोलोग के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं उनके अंदर का जो है वो आपके उसको इंडिकेट करते हैं, उनके बीच में जो है वो जगह है जहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो चुका है। जो क्यास्मेटा होते हैं दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एट द एंड ऑफ डिप्लोटीन स्टेज। तो डिप्लोटीन स्टेज के बाद जो है ये क्यास्मेटा जो है दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स टर्मिनल एंड्स, यानी कि उसके अंदर जो है टर्मिनलाइजेशन वो शुरू हो जाती है। अब ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज वन की जो लास्ट प्रावस्था है जिसको हम बोलते हैं डायकाइनेसिस,
डायाकाइनेसिस में क्या होता है, इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो है मियोटिक स्पिंडल जो होते हैं उनकी रीअसेंबली शुरू हो जाती है, मतलब वो असेंबल होना शुरू हो जाते हैं ताकि क्रोमोसोम जो हैं वो सेपरेट होकर पोल्स की तरफ उनकी मूवमेंट शुरू हो जाए। इन दो स्पीसीज इन विच क्रोमोसोम्स बिकम हाईली डिस्पर्स ड्यूरिंग डिप्लोटीन, द क्रोमोसोम बिकम रिकॉम्पैक्टेड ड्यूरिंग डायकाइनेसिस। तो एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन और इनके अंदर होता है, जो तो क्रोमोसोम है उनकी कॉम्पैक्शन, मतलब वो कॉम्पैक्ट होना भी शुरू हो जाते हैं। और डायकाइनेसिस जो होती है इसके साथ, इसके एक और जो इसका फीचर है वो फीचर है न्यूक्लियोलस का डिसअपियर होना और न्यूक्लियर एनवलप जो है उसका डिसअपियर होना। तो बाई द एंड ऑफ प्रोफेज 1, विच इज कॉल्ड डायकाइनेसिस स्टेज पे, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगता है और न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डिसअपियर होना शुरू होता है, और जो टेट्रार्ड्स हैं उनका अरेंजमेंट मेटाफेज प्लेट पे होना शुरू हो जाता है। एक चीज और इम्पोर्टेंट जो होती है, थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ प्रोफेज कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम जो है वो कॉम्पैक्ट होने भी शुरू होते होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ जो है इसके अंदर एक और फैक्टर है जिसको बोलते हैं एमपीएफ, वो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर जो है वो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर वो भी उसका अपियरेंस शुरू हो जाता है, ताकि उसके अपियरेंस होने की बाद जो है कुछ सेल जो है वो आपके माइटोटिक फेज जो है उसके अंदर एंटर करते हैं। क्याज्मेटा जो होते हैं दे कैन स्टिल भी कुछ यूकेरियोटिक स्पीसीज के अंदर मेटाफेज प्लेट के अंदर जब क्रोमोसोम अरेंज हो गया उस समय तक भी क्याज्मेटा जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, देखे जा सकते हैं। परंतु ह्यूमन्स और कुछ दूसरे वर्टिब्रेट्स में जो हर पेयर होता है होमोलोगस का, वो उसके अंदर एटलीस्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक क्याज्मा जरूर होता है एटलीस्ट, परंतु जो क्रोमोसोम लंबे होते हैं उनके अंदर एक से ज्यादा नंबर ऑफ क्याज्मा वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसके साथ जो है ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म इंश्योर करती है कि इवन द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम जो है उनके अंदर भी क्याज्मा फॉर्मेशन होता है। इसका एडवांटेज क्या है कि अगर ये क्याज्मा फॉर्मेशन नहीं हो तो जो बाइवेलेंट हैं दे टेंड टू सेपरेट फ्रॉम वन अदर, जैसे ही साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन शुरू हो जाता है डिप्लोटीन के अंदर, उस डिप्लोटीन के बाद क्रोमोसोम्स जो बाइवेलेंट्स हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं जैसे ही साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है। इसके साथ क्या होता है, ये जो प्री मेच्योर सेपरेशन है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, ये ओपन रिजल्ट करता है न्यूक्लियाई जिनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो एबनॉर्मल होता है। तो दिस अगेन एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है क्याज्मा फॉर्मेशन की, उनका जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनका सेपरेशन जो है वो केवल आपकी प्रोफेज की लास्ट सब स्टेज डायकाइनेसिस के अंदर ही हो। तो इसके साथ जो है प्रोफेज 1 वी कंप्लीट प्रोफेज 1। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेटाफेज 1 और मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टेलोफेज 1 में क्या इवेंट्स होते हैं, उन सब।